हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और ये जो सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलाइड ब्रांचेस में चलता है। तो इस सब्जेक्ट का कोड क्या है? इस सब्जेक्ट का कोड है BEC 401। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर इसकी पहली यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पहली यूनिट की बात करें तो उसमें आता है रिव्यू ऑफ सिग्नल सिस्टम। तो इसमें हमें पता होना चाहिए, वैसे तो आप लोग का एक सब्जेक्ट भी है सिग्नल सिस्टम इसी सेमेस्टर में, उसमें आप लोग और डीप में पढ़ोगे कि सिग्नल सिस्टम क्या होता है। लेकिन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सिग्नल सिस्टम की भी यूज़ की जाती हैं, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नल क्या होता है। तो सिग्नल तो हमें सबको पता ही है कि सिग्नल इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट वैरीज विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो कि एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करती है, उसके हिसाब से वो वैरी करती है या फिर चेंज होती है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग जैसे मैथ्स में भी देखते हैं कि एक्स होता है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये एक्स जो है ये एक भी हो सकता है या फिर दो या दो से ज्यादा भी मेरे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, कि सिग्नल्स यहाँ पर क्यों क्लासिफाई करे गए। अब अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ये जो सिग्नल का पार्ट है कि सिग्नल क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल क्या है, ये सिग्नल सिस्टम के पेपर में आता है। कम्युनिकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ये पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन में जैसे बताया भी कि ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में भी अप्लाई होंगी, इसलिए हमें इनको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो सिग्नल आता है वो आता है कॉन्टिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो ये हम लोगों ने डिजिटल सिस्टम डिजाइन में भी पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, एक ऐसा सिग्नल जो कि कॉन्टिन्यूअस चलता रहे टाइम के साथ, वो कहीं पर भी ब्रेक ना हो। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि अगर x ऑफ t मेरा एक कोई सिग्नल है, एक कोई फंक्शन है, तो अगर वहां पर जो t वेरिएबल है अगर वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होगा तो मेरा ये सिग्नल कॉन्टिन्यूअस सिग्नल कहलाएगा। उसी तरह से अगर मेरे जो t है वो एक डिस्क्रीट सिग्नल होगा तो ये जो मेरा t वेरिएबल है वो मेरा डिस्क्रीट होगा। जैसे यहाँ पर नीचे एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया है कि ये मेरा एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है क्योंकि ये सिग्नल कॉन्टिन्यूअसली चलता जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जो मेरा x ऑफ n है, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आप लोग अभी आगे भी पढ़ोगे कि जो डिस्क्रीट सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग x लगा के ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में n लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्नल सिस्टम में भी है यही चीज, कि इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है और कॉन्टिन्यूअस सिग्नल का ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्क्रीट सिग्नल होगा उसमें डिस्क्रीट वैल्यू होगी, मतलब फिक्स वैल्यू। जैसे यहाँ पर मेरी वन वैल्यू है, यहाँ पर भी मेरी वन वैल्यू है, तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूअस सिग्नल हो गया, ये मेरा डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। नेक्स्ट आता है मेरा डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होता है, एक ऐसा सिग्नल जिसको आप एक स्पेसिफाइड टाइम में जिसको आप बता सकते हो जिसकी वैल्यू। जैसे कि अगर हमने टाइम यहाँ पर सपोज करो कि हमने टाइम 1 सेकेंड ले लिया, ठीक है, तो अगर 1 सेकेंड इसमें रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ पाई। ठीक, तो साइन ऑफ पाई की वैल्यू से आप बता सकते हो कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड में वैल्यू क्या होगी, 3 सेकेंड में वैल्यू क्या होगी, या फिर कोई भी। तो आप टाइम की यहाँ पर वैल्यू रख रख के अपनी सिग्नल की वैल्यू बता सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सिग्नल को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बोलते हैं। उसी तरह से रैंडम सिग्नल क्यों रखा गया, रैंडम सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि रैंडम होता है। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है एक ऐसा सिग्नल जो कोई भी रैंडम वैल्यू ले ले। जैसे कि नॉइज, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे भी कम्युनिकेशन में नॉइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो हम लोग नॉइस देखेंगे कि नॉइस क्या होता है। नॉइस समझ लो एक ऐसा, जैसे सपोज करो कि तुम्हारा ये सिग्नल है, ठीक है, ये आप लोग का एक सिग्नल है और इस सिग्नल को बेसिकली इसको हमने ट्रांसमिट करा। ठीक है, ट्रांसमिट क्या किया, ट्रांसमिट हमने बेसिकली इसको किया ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसमीटर से रिसीवर में चली जाए। अब ये जो वर्ड्स हैं हो सकता है ये स्टार्टिंग फेज में आप लोग को ना समझ में आए, आगे जैसे जैसे हम लोग समझेंगे वैसे समझ में आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना समझो कि इस सिग्नल को मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ठीक है, तो रास्ते में क्या होगा कि जो सिग्नल जब यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होगा तो इसमें कुछ नॉइज इसको इंटरफेयर करेगी। नॉइज क्या है, कोई भी अनवांटेड सिग्नल, सपोज करो ये कोई ऐसी ऐसी नॉइज होगी और ये मेरे सिग्नल को यहाँ पर इसको इसके रास्ते में इसको इंटरफेरेंस करेगी, इसको बेसिकली इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सिग्नल है ये जिस तरह से रिसीवर तक पहुंचना चाहिए था ये वैसे नहीं पहुंचेगा, इसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म पहुंचेगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है कि सिग्नल अब कुछ ऐसा हो गया होगा,
जिसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड है वो कुछ कम हो गया होगा, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मेरे रिसीवर के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो मेरी अनवांटेड जो नॉइज है, अनवांटेड सिग्नल है, उसी को हम लोग नॉइज बोलते हैं, और वो एक एग्जाम्पल है मेरे रैंडम सिग्नल का। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा इवन एंड ऑड सिग्नल। अब इवन सिग्नल क्या होता है? इवन सिग्नल होता है कि अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है x ऑफ t, और अगर आपने वहां पर जो वेरिएबल है अगर उसने माइनस लगा दिया है, तो वो फंक्शन एज इट इज ही रहना चाहिए। जैसे कॉस के केस में, अब सपोज करो कि यहाँ पर है मेरा कॉस ऑफ t, ठीक है, तो ये एक इवन सिग्नल है। मुझे कैसे पता ये इवन सिग्नल है? मुझे इसीलिए पता है क्योंकि इसमें क्या करो कि ये जो टी है इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो कॉस की प्रॉपर्टी हम सबको पता होती है कि अगर मैंने यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस टी भी कर दिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? मुझे आंसर कॉस ऑफ टी ही मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया? ये एक इवन सिग्नल हो गया। सिमिलरली ऑड सिग्नल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑड सिग्नल का एग्जाम्पल हो सकता है मेरा साइन ऑफ टी, है ना, क्योंकि अगर तुम साइन ऑफ टी में साइन ऑफ माइनस टी कर दोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर माइनस ऑफ साइन टी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, इवन सिग्नल क्या है कि अगर आपने उसके वेरिएबल में माइनस लगाया तो तुम्हारा जो फंक्शन है वो अनचेंज रहे, और ऑड सिग्नल क्या हो गया कि अगर तुमने उस वेरिएबल में माइनस लगाया तो तुम्हारा जो सिग्नल है उसमें आगे की तरफ माइनस आ जाना चाहिए। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया कि cos t और sin t का एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है मेरा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। देखो पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अब सिग्नल सिस्टम में इसको बहुत डीप में पढ़ोगे, पहली यूनिट में ही पीरियोडिक सिग्नल के बारे में काफी चीजें बताई गई हैं। कम्युनिकेशन के हिसाब से हमें जितना जानना चाहिए वहां मैं इतना बता दे रही हूँ कि पीरियोडिक सिग्नल अगर चेक करना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि अगर कोई फंक्शन है x ऑफ t प्लस t, जहां पर ये जो कैपिटल T है वो इसका क्या है, वो इसका टाइम पीरियड है, तो ये क्या आना चाहिए मेरा, ये मेरा x ऑफ t आना चाहिए। ठीक है, सारे पीरियड्स में इसकी वैल्यू x ऑफ t आनी चाहिए, और अगर मेरा डिस्क्रीट सिग्नल है तो सिमिलरली यहाँ पर x ऑफ n आना चाहिए। ठीक है, तो अगर पीरियोडिक सिग्नल होगा, अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तो वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, डिस्क्रीट होगा तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो अगर उनमें से इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी वो जैसे भी फॉलो करता है तो उसको हम लोग पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं, और अगर वो ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है ये जो दी हुई है तो इस केस में उसको नॉन पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल क्या होता है? एनर्जी सिग्नल होता है एक ऐसा सिग्नल जिसके पास फाइनाइट एनर्जी होती है और जीरो पावर होती है। अभी के लिए इसको समझ लो, मैंने बताया जैसे कि सिग्नल सिस्टम भी तुम लोग को पढ़ना है तो सिग्नल सिस्टम की पहली यूनिट में ही पूरा प्रोसेस बताया गया है कि एनर्जी सिग्नल कैसे निकालते हैं, पावर सिग्नल कैसे निकालते हैं। कम्युनिकेशन के हिसाब से हमें सिर्फ इतना जानना है कि एनर्जी सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जिसकी एनर्जी तो फाइनाइट है लेकिन उसकी पावर जीरो है। ठीक है, और उसी तरह से पावर सिग्नल इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब इसमें जो पावर होगी वो फाइनाइट हो जाएगी और एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट होगी। यहाँ पर पावर जीरो है, याद रखना यहाँ पर पावर जीरो है और यहाँ पर एनर्जी इनफाइनाइट है। ठीक है, अब आता है मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट में कहीं कहीं आप लोग को फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा तो उसके लिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखना जरूरी है। अब हम लोग सिग्नल सिस्टम में भी इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसकी पहली यूनिट ही सिग्नल सिस्टम में काफी सारी चीजें हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग तीसरी चौथी यूनिट में आई थिंक पढ़ोगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये मेरा फॉर्मूला होता है जहां पर ये एक्स ऑफ ओमेगा जो है ये मेरा ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन को शो करता है और ये जो एक्स ऑफ टी है मेरा ये जो है ये मेरा टाइम डोमेन को शो करता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना कि यहाँ पर x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहेगी डिफॉल्ट केस में। अगर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे हम लोग सिग्नल सिस्टम में तुम लोग पढ़ोगे इम्पल्स फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप होता है, उस केस में यहाँ पर ये जो लिमिट होती है वो चेंज हो जाती है लेकिन बाय डिफॉल्ट ये लिमिट ऐसी ही रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पर जिस फंक्शन का तुम्हें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है उस फंक्शन को यहाँ पर रखोगे, उसके बाद e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जे ओमेगा टी, जहां पर जे मेरा एक फेजर टर्म होता है तो जे मेरा यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था जे नोटेशन, तुम लोगों ने जब NAS पढ़ा होगा वहां पर भी जे नोटेशन पढ़ी होगी, तो ये जे यहाँ पर वो काम करता है जे ओमेगा टी, और यहाँ पर मैंने टी टी अपना वेरिएबल ले लिया सिंस हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को पढ़ लेना, कम्युनिकेशन में इसको ज्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मैं दो तीन फॉर्मूले बता दूंगी उसी से सारा काम कम्युनिकेशन में हो जाएगा, लेकिन हाँ सिग्नल सिस्टम में इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसी तरह से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब जैसे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म का जस्ट ऑपोजिट, मतलब वहां से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जा रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखो फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर x ऑफ t की जगह x ऑफ ओमेगा हो गया है, ठीक है। और अब क्योंकि हम x ऑफ ओमेगा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर d ऑफ ओमेगा हो गया, इतना तो समझ में आ गया। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर 1/2π एक एडिशनल टर्म एड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये है मेरा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन करके भी दिखा दिया कि अगर ये डेल ऑफ टी है, बेसिकली देखो डेल ऑफ टी क्या होता है, मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स कुछ ऐसा सिग्नल होता है, ये आप लोग सिग्नल सिस्टम में बहुत डीप में पढ़ोगे, ये मेरा एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है जो कि जीरो पे इनफाइनाइट जाता है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमने डेल ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, याद रखना ये चीज याद करने के लिए है कि डेल ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे होंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म वो मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ये सब हमारे कम्युनिकेशन में नहीं आने वाला पेपर में, जो मेन आएगा वो अब यहाँ से शुरू होता है कि कम्युनिकेशन है क्या, हम लोग कम्युनिकेशन कर क्यों रहे हैं, कम्युनिकेशन की नीड क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है। देखो सिंपल भाषा में कम्युनिकेशन क्या है, अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी और को ट्रांसमिट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, ठीक है। तो यही ये मेरा कम्युनिकेशन है, जैसे हमने टेक्निकल कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था। तो कम्युनिकेशन क्या है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पर वही है कि द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन और लिंक। अब तुम्हें अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है तो आप दोनों आप लोगों को इसके बीच में एक लिंक बनानी होगी, एक सोर्स बनाना होगा, एक जरिया बनाना होगा ताकि इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ एक्सचेंज हो पाए, ठीक है। और इसी लिंक को, इसी जरिए को हम लोग कम्युनिकेशन लिंक बोलते हैं, ये चीज याद रखना। उसके बाद है द पर्पज ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स स्टेशन टू अ डेस्टिनेशन स्टेशन थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल मीन्स। देखो कम्युनिकेशन क्या है, हम लोग कम्युनिकेशन है कि यहाँ पर मेरा एक ट्रांसमीटर होगा, वर्ड पे ध्यान देना ट्रांसमीटर, और यहाँ पर मेरा रिसीवर होता है, ठीक है। इन दोनों को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, लेकिन कैसे करेंगे, ये दोनों इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तीसरी सवाल में आ गई कि ये मेरा ट्रांसमीटर हो गया, ये मेरा रिसीवर हो गया, ये मेरा कम्युनिकेशन चैनल हो गया। अब ये जो कम्युनिकेशन चैनल है ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और ऑप्टिकल भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आप लोग आगे के सेमेस्टर में बढ़ोगे आप लोग को पता चलेगा कि ये जो कम्युनिकेशन चैनल है आप ऑप्टिकल फाइबर भी लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल मीन से भी कर सकते हो, लेकिन इतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लो कि कम्युनिकेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। ये हो सकता है कि 2 नंबर में पेपर में आ सकता है, तो उसको देख लो, सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरा है सोर्स। सोर्स का काम क्या होता है, सोर्स बेसिकली वो है जिसको बेसिकली क्या करना है, जहां से तुम इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है। तो वो मेरा सोर्स हो गया। उसके बाद आता है मेरा इनपुट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि तुम्हारे सिग्नल को बेसिकली चेंज करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसड्यूसर ने चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ट्रांसमीटर होगा, तो यहाँ पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा चैनल लगा हुआ है। अब देखो मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं वो नॉइज से इफेक्ट किए जाते हैं, मतलब आप जब अपनी इन्फॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसमिट कर रहे हो तो बीच में आपको नॉइस का इंटरफेरेंस दिखेगा, और ये नॉइस कहाँ इंटरफेयर करती है, उस चैनल पे जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो इस चैनल पे ये नॉइस दिखाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेरा यहाँ पर रिसीवर, और फिर जैसे यहाँ पर इनपुट ट्रांसड्यूसर था उसी तरह से मेरा यहाँ पर आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, और यहाँ पर मेरी डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम का ये हो गया। उसके बाद आता है मेरा मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मॉड्यूलेशन को समझने से पहले एक चीज हमें समझनी चाहिए कि मॉड्यूलेशन हम कर क्यों रहे हैं। देखो जैसे हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, मॉड्यूलेशन इसलिए करते हैं कि आप अपना कोई इन्फॉर्मेशन है आप ट्रांसमिटर से रिसीवर तक लेके जा रहे हो, तो रस्ते में ये जो तुम्हारा सिग्नल है ये डिस्टॉर्ट ना हो जाए, ये खराब ना हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए मॉड्यूलेशन करते हैं। करते क्या है, मॉड्यूलेशन होता क्या है, देखो सपोज करो कि तुम्हारा ये मैसेज सिग्नल है, ठीक है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ठीक है। अब ये मैसेज जो सिग्नल है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक कैरियर सिग्नल पे ओवरराइड करेंगे। जैसे कि ये मेरा कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल होता है जिसके हेल्प के थ्रू हम मैसेज सिग्नल को भेजते हैं। तो ये मेरा कैरियर सिग्नल हो गया, यहाँ पर मैंने एक साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल ले लिया है, ठीक है।
अब ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, लेकिन अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया। देखो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि इन दिस सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर आर चेंज इन अकॉर्डेंस विद द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल और बेस बैंड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और यहां से जो मुझे रिजल्टिंग सिग्नल मिलता है वो मॉड्यूलेटेड या फिर पास बैंड सिग्नल होता है। देखो सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो क्या होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप कैरियर सिग्नल जो है, कैरियर सिग्नल कौन सा हो गया, मैंने बता दिया ये मेरा कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर ये जो बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल दिख रहे हैं ना, ये ऐसे वेव्स दिख रही हैं, तो जिसमें ये ज्यादा वेव्स होती हैं, पास पास होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और अगर ये जो वेव्स हैं ये बहुत दूर दूर होंगी तो ये फ्रीक्वेंसी लो होगी। ठीक है, तो ये जो कैरियर सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं, वैरी कर देते हैं। और किसके किसके हिसाब से चेंज करते हैं, अपने मैसेज सिग्नल के हिसाब से। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक मेरी एम्पलीट्यूड हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वो हम अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हम चेंज करते हैं। तो उसके बाद ये जो हमने अब कैरियर सिग्नल की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उनको चेंज कर लिया अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद जो हमें सिग्नल मिलता है वो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है। ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में देखो ये मेरा मैसेज सिग्नल है ऊपर वाला पोर्शन, और सिमिलरली ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी मेरा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, और यहां पर ये जो ये क्या है मेरा, ये मेरा कैरियर सिग्नल है। ठीक है, तो ये है मेरा यहाँ पर, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया। सिमिलरली डीमॉड्यूलेशन क्या होगा, ये जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसमें से अपने कैरियर वेव को अलग करना और अपने मैसेज सिग्नल को रिट्रीव करना, वो मेरा डीमॉड्यूलेशन हो गया। ठीक, तो मुझे आई होप कि आप लोग को मॉड्यूलेशन समझ में आ गया होगा। और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, जैसे मैंने बता भी दिया, सबसे पहले आप मल्टीप्लेक्स कर सकते हो, मतलब बहुत सारे सिग्नल्स को आप एक साथ भेज सकते हो। ठीक है, आपको अलग अलग करके भेजने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूलेशन के थ्रू आप एक बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना, तो यहां पर क्या है कि अगर आपको एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में भेजना है, ठीक है, तो वहां पर उस केस में एंटीना का साइज भी मॉड्यूलेशन की वजह से बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो ये मेरी दूसरी नीड हो गई। तीसरी हो गई कि मॉड्यूलेशन के थ्रू आपका जो सिग्नल होगा वहां पर आप नॉइज और इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और चौथा है कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन के लिए भी जरूरी है। ठीक, तो ये मेरा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है कि हमें मॉड्यूलेशन करना क्यों है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन कि मॉड्यूलेशन कितने तरीके के होते हैं। तो हम लोग कम्युनिकेशन में ही सारे मॉड्यूलेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मॉड्यूलेशन हम लोग देखने वाले हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल सबको पता है। देखो यहाँ पर क्या है कि एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर हम लोग तीन तरह के मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो इसमें से जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अभी पढ़ने ही वाले हैं। उसके बाद आता है मेरा पल्स मॉड्यूलेशन, जिसमें पल्स पोजिशन, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स वेद आ जाएगा, जिसको हम लोग PWM भी बोलते हैं। उसके बाद मेरा डिजिटल मॉड्यूलेशन आएगा जो है ASK, FSK एंड PSK। ठीक है, तो वो हम लोग कम्युनिकेशन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कवर करेंगे। मेन बात है कि अब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन को पढ़ाने के वक्त मैंने बोला था कि मॉड्यूलेशन क्या है, कि हम अपने कैरियर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं, किसके हिसाब से, अपनी मैसेज सिग्नल के हिसाब से। और मैंने बोला था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं वो मॉड्यूलेशन का नाम बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, सोचो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है कि आप अपने कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो आप वैरी कर रहे हो, वो आप चेंज कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। ठीक है, तो इजी है कि इट इज द प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी साइनोसॉइडल कैरियर वेव इज वैरीड इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। एक चीज और, अगर पेपर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखनी होगी तो इसमें ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्ड कीवर्ड्स की तरह हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी डालना जरूरी है, और चाहो तो मैसेज सिग्नल में लो फ्रीक्वेंसी भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक, उसके बाद आता है मेरा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करो और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पर मेरा, मैंने यहाँ पर दो चीजें मेंशन करी हैं, ये है मेरा C of T। सी ऑफ टी क्या है, सी ऑफ टी मेरा कैरियर वेव का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। टाइम डोमेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेरा टी वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है C of T इज इक्वल टू AC cos ωCT। तो ये चीज याद रखना, मेमोराइज कर सकते हो कि जो हमारा कैरियर वेव है वो कुछ इस फॉर्म का होता है। मैंने बताया था ना कि साइनोसॉइडल होगा, तो यहाँ पर कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, डिफॉल्ट केस में हम लोग कॉस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AC है,
एसी क्या है, मेरा कैरियर का एम्पलीट्यूड है, मतलब तुम्हारा जो भी ये कैरियर वेव होगी इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ये वाला, ये मेरा ए ऑफ सी होगा, ठीक है। उसके बाद है कॉस ओमेगा सी टी। अब ये जो ओमेगा होता है, जैसे मैंने बताया भी ओमेगा मेरा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है, तो शायद तुम लोग को पता होगा कि ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये जो 2 पाई एफ है, अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये जो एफ होता है मेरी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस हमने ए सी कॉस ओमेगा सी टी से ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सी डाल दिया है, ठीक है। तो ये मेरा सी ऑफ टी का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये है मेरा एस ऑफ टी। एस ऑफ टी क्या है, ये भी चीज याद रखने वाली है कि एस ऑफ टी है मेरा कि मैंने अपना जो सिग्नल मॉड्यूलेट किया, जो हम लोग ऊपर देख भी रहे थे कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो मेन कम्युनिकेशन में जो डिनोशन होता है, जैसे उसको डिनोट किया जाता है, वो एस ऑफ टी के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कहीं पर भी अगर एस ऑफ टी है इसका मतलब है कि वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। तो ये मेरा एस ऑफ टी है। ये चीज याद करने वाली है कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें ये टर्म मिलता है कि 1 प्लस के ऑफ ए एम ऑफ टी सी टी। अब ये एम ऑफ टी क्या है, एम ऑफ टी मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक है। सी ऑफ टी मेरा कैरियर सिग्नल है। 1 प्लस के ए क्या है, अभी जो के ए होता है ये कॉन्स्टेंट टर्म है जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी बोलते हैं। और ये जो के टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें हर एक केस में बताता है कि मॉड्यूलेशन किस एस्पेक्ट का होगा। जैसे कि अगर ये जो के ऑफ एम टी है, अगर इसका हम मॉड लें, अगर इसका हम मॉड्यूलस लें, ठीक है, अगर इसका मॉड्यूलस 1 से कम आता है तो उसको अंडर मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये चीज याद रखने वाली, इनको याद रखना, पेपर में हो सकता है पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि अगर के ऑफ एम टी का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो लेस देन 1 है तो कौन सा मॉड्यूलेशन होगा, उस केस में मेरा अंडर मॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर वो इक्वल टू 1 होता है तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन कहलाता है, और ग्रेटर देन 1 होता है तो ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन इजी है, इसमें ये वाला जो टर्म है इसको याद रखना जरूरी है, ठीक। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ ए एम वेव। अब यहाँ पर है जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये टर्म तो याद ही रखना कि एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक। अब यहाँ पर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लो, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करना है अपने ए एम वेव का, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, ये जो एस ऑफ टी है ये एस ऑफ एफ बन जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद ए सी एज इट इज रहेगा। एज इट इज क्यों रहेगा, ए सी देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो टाइम डोमेन पे काम करता है, मतलब वो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में करता है। ए सी में तुम्हें कोई टाइम डोमेन का वो वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ए सी कॉन्स्टेंट है क्योंकि वो एम्पलीट्यूड है, इसीलिए इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म का कोई असर नहीं होगा, ठीक। असर किस पे होगा, कॉस ओमेगा सी टी पे। तो मैंने ये कॉस ओमेगा सी टी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मुझे कॉस ओमेगा सी टी मिल गया, फिर ए सी के ए यहाँ पर मिला, और एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जहां पर टी होगा वहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है। क्या चीज इन्वॉल्व है, देखो यूलर्स आइडेंटिटी होती है जो तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, मैथ्स 1 में, कि कॉस 2 पाई एफ सी टी, बेसिकली 2 पाई एफ सी टी क्यों, क्योंकि ओमेगा सी को हम लोग 2 पाई एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना कि अगर ये कॉस 2 पाई एफ सी टी को हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि e की पावर j 2 पाई एफ सी टी, जो टर्म यहाँ पर है वो टर्म एज इट इज लिख दो, और दूसरी बार वो टर्म माइनस के साथ लिख दो, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। साइन वाले टर्म में क्या होगा, साइन वाले टर्म में बस यहाँ पर माइनस आ जाता है और नीचे 2j आ जाता है, ठीक है। तो साइन वाला भी मत देखो, ज्यादातर कॉस वाला ही आता है, तो कंफ्यूज मत होना। कॉस वाले के लिए ही यूलर्स आइडेंटिटी देख लो, और अगर बाय चांस एग्जाम में ना याद आ रहा हो ये पूरा, तो मैं बताऊंगी आगे इसका शॉर्टकट क्या है। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी कि कॉस ओमेगा सी टी को मैंने ये पूरा टर्म यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। और एम ऑफ टी में भी मैंने ये पूरा टर्म कॉपी कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने शॉर्टकट बता रखा है ये चीज कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर जे 2 पाई एफ सी टी, ये क्या होता है, डेल ऑफ, डेल क्या है मैंने बताया था पीछे, इंपल्स रिस्पॉन्स है। तो डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी, ये एफ क्या है, मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पर माइनस एफ सी। देखो इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होगा, उसका जस्ट उल्टा रहता है, ठीक। वैसे तो सिग्नल सिस्टम में इसको काफी डीप में इसको बताया गया पूरा डिराइव करके, लेकिन कम्युनिकेशन में हमें इतनी जानने की जरूरत नहीं है अंदर तक।
और यहाँ पर सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, सिंपल, ठीक है। तो दो केस याद रखना कि अगर केवल e की पावर में कुछ लिखा होगा तो उसका जस्ट ऑपोजिट मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर साथ में मेरा एम टी आ जाता है, मतलब मैसेज सिग्नल आ जाता है, तो उस केस में डेल नहीं आता है। देखो यहाँ पर डेल क्यों आ रहा है, यहाँ पर डेल इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब वन है, ठीक है। तो वन मैंने बताया था कि वन का मतलब डेल है, लेकिन यहाँ पर मैसेज सिग्नल है, तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर एम लग जाएगा, वो भी कैपिटल एम, ये याद रखना कैपिटल एम लगता है, स्मॉल एम नहीं लगता। और सिमिलरली यहाँ पर एफ माइनस, यहाँ पर प्लस था तो माइनस एफ सी आ गया, माइनस था तो प्लस एफ सी आ गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये हमें आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक। तो जैसे मैंने बताया वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर ली, ठीक। अब आता है फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा एम ऑफ एफ। अब ये क्या है, ये ट्रायंगुलर वेव होती, सॉरी ये रेक्टेंगुलर वेव होती है, ठीक है, जो हम लोग सिग्नल सिस्टम में, मैंने बताया कि सिग्नल सिस्टम में इसको पढ़ोगे तो काफी बताया जाएगा डीप में, कम्युनिकेशन में हमें इसकी जरूरत नहीं है। समझ लो कि ये मेरा मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसको एज इट इज याद रख लेना कि ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है मेरे मैसेज सिग्नल का, ठीक। उसके बाद आता है मेरा ये है मेरा सी ऑफ एफ। सी ऑफ एफ का मतलब क्या है, मेरे कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। उसके बाद आता है कि मेरा एस ऑफ एफ कैसे बनेगा। ये मेरा मेन यहाँ पर पॉइंट है कि एस ऑफ एफ कैसे बनेगा, मतलब मेरे जो आउटपुट सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसे बनेगा। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो सबसे पहले क्या करना कि ये जो डेल के साथ ये जो एफ माइनस एफ सी है इसको जीरो के इक्वल पुट करना, मतलब एफ माइनस एफ सी को इक्वल टू जीरो रखना। क्या आया, एफ इज इक्वल टू एफ सी आया, है ना, यही चीज आई। तो आप ये समझ लो कि f इज इक्वल टू एफ सी जहां पर भी होगा वहां पर तुम्हें एक इम्पल्स मिलेगा, इम्पल्स क्योंकि यहाँ पर डेल लिखा हुआ है, ठीक। तो देखो f इज इक्वल टू एफ सी मेरा यहाँ पर है। अब ये भी चीज याद रखना कि यहाँ पर मेरा एफ सी होता है, इधर मेरा माइनस एफ सी होता है, जैसे हम लोग सिंपल मैथ्स में करते हैं। यहाँ पर मेरा एफ सी प्लस एफ एम होता है, यहाँ पर मेरा एफ सी माइनस एफ एम होता है, सिमिलरली उसके जस्ट ऑपोजिट साइन मेरे यहाँ होते हैं, ठीक है। तो एफ सी पे हमने क्या देखा, एफ सी पे मेरा एक इम्पल्स होगा, तो मैंने यहाँ पर एफ सी पे एक इम्पल्स बना दिया। और मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है एफ सी पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो मेरा ए सी बाय टू होगा, तो यहाँ पर सिंपली लिख देना ए सी बाय टू, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर एफ इज इक्वल टू माइनस एफ सी आएगा, है ना, जैसे मैंने इस तरीके से बताया था। तो एफ इज इक्वल टू माइनस एफ सी भी मेरा डेल बनेगा और उसका एम्पलीट्यूड भी ए सी बाय टू होगा। तो देखो मैंने नीचे बनाया भी है माइनस एफ सी पे ए सी बाय टू, ठीक। मेन चीज यहाँ पर है कि अगर मैंने इसको f इज इक्वल टू एफ सी रखा तो यहाँ पर क्या मिला कि f इज इक्वल टू एफ सी पे कुछ m है। अब ये m क्या है, ये m मेरा मैसेज सिग्नल है, मतलब जैसे मेरा मैसेज सिग्नल होगा वही तुम्हें यहाँ पर बनाना। अब देखो मैसेज सिग्नल ऐसा कुछ है ट्राइंगल टाइप का, तो वो चीज तुमने यहाँ पर बना दी, ठीक। और इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड मेंशन करना पेपर में, के ए ए सी बाय टू, तो यहाँ पर लिख देना इधर के ए, जैसे यहाँ पर है के ए ए सी बाय टू, ठीक है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस एफ को इक्वल टू जीरो करके जो भी तुम्हें मिल रहा है, अगर मैसेज सिग्नल बोला है तो मैसेज सिग्नल बना दो, और अगर वहां पर तुम्हें इम्पल्स रिस्पॉन्स बोला है तो इम्पल्स रिस्पॉन्स बना दो, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसे एक सीधी जाती हुई लाइन बनेगी, ठीक। उसके बाद आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत इजी आते हैं और काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं पेपर में, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो मत भूलना। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेरा छोटे m, मतलब स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और ये होता है मेरा ए एम अपॉन ए सी। ए एम क्या है, मेरे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, और ए सी क्या है, मेरे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए ऑफ मैक्स माइनस ए सी वाई, ए सी इसको एज इट इज याद कर लेना, और यहाँ पर बनता है ए सी माइनस ए मिन अपॉन ए सी। ए मैक्स और ए मिन क्या है वो भी मैंने बता दिया है कि ए मैक्स है मेरा ए सी वन प्लस एम और ए मिन है मेरा ए सी वन माइनस एम। बस छोटे फॉर्म में ये याद रखो कि जो तुम्हारा एम है वो ए एम बाय ए सी है, ठीक है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपॉन कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। उसके बाद आता है मेरा सिंगल टोन ए एम मॉड्यूलेशन, जो अभी अगर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है ये तो शायद ना है, लेकिन अगर पेपर में कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है, बोलते हैं कि ए एम मॉड्यूलेशन को एक्सप्लेन करो विद सारे मैथमेटिकल स्टेप, तो ये वाला बेसिकली ये जो मॉड्यूलेशन है इसको एक्सप्लेन करना अगर वहां पर कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंगल टोन स्पेसिफाई करना। सिंगल टोन का मतलब क्या है, सिंगल टोन का मतलब होता है कि तुम्हारे मैसेज सिग्नल में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ठीक है। टोन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो
यहाँ पर क्या होगा, जैसे वहां पर हम लोग एम टी ऐसे ही रख रहे थे, यहाँ पर हमने एम टी को भी एक फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट दे दिया, मतलब ए एम कॉस ओमेगा एम टी। सिमिलरली मैंने सी टी को भी दे दिया ए सी कॉस ओमेगा सी टी, जो हम पीछे भी कर रहे थे। और ये तो हमें पता ही है कि हमारे एस ऑफ टी क्या है, ए सी वन प्लस के ए एम टी कॉस टू बाई एफ सी टी। उसके बाद हमने अब क्या किया, वहां पर मेरा एम टी एज इट इज था, यहाँ पर मेरे एम टी पे तुम्हें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू हमने एज इट इज पुट कर दी कि ए एम कॉस ओमेगा एम टी। अब यहाँ पर क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आ जाएगा मेरा ये वन है ना, तो ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, उसके बाद के ए एम ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी कॉस टू पाई एफ एम टी। ठीक, और एक चीज और याद रखना कि जो मेरा m है, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, उसको हम लोग के एम से ए एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब ये जो मेरा दो कॉस दे रखा है, ये हमने मैथ्स में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर हम कॉस a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी बाय टू, तो वो चीज हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। मुझे पता है कि कम्युनिकेशन में काफी सारे जो मैथ्स की चीजें हैं वो यूज हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे आप लोग को आदत पड़ जाएगी इन सारी चीजों की, कि कैसे कैसे कहाँ अप्लाई करना है क्या चीज। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद बस हमें वही काम करना है। यहाँ पर मेरा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए हम लोग फिर वही करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने बता दिया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अब चाहो तो एग्जाम में अगर इतना बड़ा नहीं करना है कि यहाँ पर कॉस है उसके बाद उसका यूलर्स आइडेंटिटी पूरा लगाओ, उसके बाद बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उस केस में क्या कर सकते हो कि याद कर लो कि कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी, अगर यहाँ पर एफ सी लिखा है तो, प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाई टू, ये टू उसी के अंदर आता है। ठीक है, करोगे यूलर से तो वो से भी आ जाएगा। मैं छोटा तरीका बता रही हूँ कि एग्जाम में अगर ना याद रहे यूलर्स आइडेंटिटी, तो उस केस में कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म याद रख लेना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एम ऑफ ए सी बाय टू आ जाए, फोर आ जाएगा। फोर क्यों आएगा, क्योंकि कॉस से भी मुझे एक टू मिलेगा, बाहर जाके वो फोर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल ऑफ एफ माइनस, मैंने बताया था ना यहाँ पर जो होगा वही चीज यहाँ पे होगा। यहाँ पर एफ सी था तो यहाँ पर उसका उल्टा एफ सी आया, यहाँ पर एफ सी प्लस एफ एम है तो उसका उल्टा माइनस एफ सी प्लस एफ एम आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो साइन तुम्हें ऑपोजिट करके लिख देना है। अब इसका जो डायग्राम है वो नीचे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। देखो वही चीज जैसे मैंने डायग्राम बताई थी, जैसे मैंने बताया था वैसे ही बनेगा। अगर तुम्हारा मैसेज सिग्नल ऐसे है और तुम्हारा कैरियर सिग्नल ऐसे है, तो उस केस में यहाँ पर जो चीज आएगी वो यही आएगी। और सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया था, वो चीज आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ये म्यू क्यों लिखा गया है। डायग्राम में म्यू है, हमारे उसके हिसाब से क्या है, हमारे उसके हिसाब से एम है। ठीक है, तो वो तुम लोग अपने हिसाब से बना लेना, मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या है। ठीक, उसके बाद आता है मेरा पावर कैलकुलेशन ऑफ ए एम सिग्नल। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ चुका है डिराइव करने के लिए। या तो बोल सकते हैं कि पावर कैलकुलेशन ऑफ ए एम बोलो बताओ, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है, इस पे भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू। देखो एक चीज मैंने और नहीं बताई थी जो मैं ऊपर बता देती हूँ अभी। हाँ, यहाँ पर ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ, इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो मेरा पोर्शन है ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग अपर साइड बैंड कहते हैं। ठीक है, साइड बैंड क्या होता है, कोने वाले किनारे वाले बैंड्स होते हैं, उसको हम अपर साइड बैंड कहते हैं। ठीक, और ये जो होता है और ये वाला होता है, मतलब बाहर के जो दो होते हैं वो अपर साइड बैंड, और जो अंदर के दो होते हैं वो लोअर साइड बैंड, जिसको हम लोग यूएसबी या फिर एलएसबी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं पावर का टर्म जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल पावर क्या होती है, टोटल पावर होती है मेरी कैरियर की पावर प्लस अपर साइड बैंड की पावर प्लस लोअर साइड बैंड की पावर। ठीक है, तो कैरियर की पावर क्या होगी, हमें नॉर्मल सी बात पता है, पावर निकालने के लिए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई टू कर दो। ठीक है, और अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड की जो वैल्यू होती है पावर की, वो होती है के स्क्वायर, मतलब मेरी एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई टू, और एम स्क्वायर टी, मतलब मेरा जो मैसेज सिग्नल है उसकी भी तुम्हें पावर निकालनी है। तो मैसेज सिग्नल की पावर क्या होगी, जैसे कैरियर्स की थी ए सी स्क्वायर बाई टू, तो मैसेज की भी ए एम स्क्वायर बाई टू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैंने जैसे ऊपर बताया था कि जो के ए एम का टर्म होता है इसको हम लोग एम बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो वो चीज मैंने यहाँ पर एम स्क्वायर बाई टू यहाँ पर लिख दी, और यहाँ पर मेरा पीसी टर्म आ गया। ये जो मेरा टर्म था ये मेरा पीसी बन गया। यहाँ से क्या किया मैंने, इस वाले से मैंने
पीसी कॉमन ले लिया तो वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू आ गया। तो ये मेरी छोटी सी डेरिवेशन है जो पेपर में आ सकती है और इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, एफिशिएंसी क्या होती है एम की, एम स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम स्क्वायर। बस पेपर में कुछ नहीं होगा, एम की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे एफिशिएंसी निकालो, तो एम की वैल्यू यहाँ सिंपली पुट करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम। सप्रेस्ड कैरियर, अब हमने यहाँ पर एम खत्म कर दिया, मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन खत्म हो गया है। अब मेरा जो शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है मेरा सप्रेस्ड कैरियर। सप्रेस्ड कैरियर का मतलब क्या है कि हम जब प्रैक्टिकली जब एएम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि एएम में बहुत सारी पावर वेस्ट हो रही है, तो इस पावर की वेस्टेज को बचाने के लिए हम सप्रेस्ड कैरियर यूज करते हैं। सप्रेस्ड कैरियर में क्या होगा, मेरे तीन सिस्टम्स आ जाते हैं, डीएसबीएससी, एसएसबीएससी और वीएसबी। अब देखते हैं एक 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 करके। देखो डीएसबीएससी क्या होता है, डीएसबी होता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, सप्रेस्ड का मतलब होता है आपने कैरियर को हटा दिया, कैरियर को सप्रेस्ड कर दिया है। ठीक है, और डबल साइड बैंड का क्या है, डबल साइड बैंड का मतलब है कि आपका जो भी सिग्नल होगा उसमें साइड बैंड तो होंगे दोनों, मतलब अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड तो होंगे, लेकिन कैरियर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डीएसबीएससी का एक सिग्नल है कि ये तुम्हारा मैसेज सिग्नल हो गया, ये तुम्हारा कैरियर सिग्नल हो गया। देखो ये एएम से काफी अलग है ना, ये क्यों अलग है, देखो जहां पर तुम्हारा ये जो सिग्नल है चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर वन है और यहाँ पर जीरो आया, तो जिस भी टर्म में, देखो यहाँ पर लिखा है ना कि एस ऑफ टी अंडरगोज अ फेज रिवर्सल वेन एवर एम ऑफ टी क्रॉसेज जीरो, तो जब ये मेरे जीरो को क्रॉस करेगा यहाँ पर फेज रिवर्सल होगा, मतलब ये यहाँ पर था, अब ये फेज रिवर्स होके मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी मेरा फेज रिवर्स हो रहा है, फेज मेरा चेंज हो रहा है, जाना चाहिए था उसको नीचे, जा रहा है वो ऊपर। ठीक, और इसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो इसके स्पेक्ट्रम में देखो वैसे ही बनेगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर कैरियर में डॉट डॉट है, डॉट डॉट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कैरियर सप्रेस्ड है, इधर भी सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कैरियर सिग्नल नहीं होता है, कैरियर को सप्रेस्ड कर देते हैं, तो ये मेरा डबल साइड बैंड हो गया। मेन जो डबल साइड बैंड में आता है वो आता है इसका जेनरेशन और इसका डीमॉड्यूलेशन। तो कम्युनिकेशन में यही जो मेन कैच है वो यही है कि कम्युनिकेशन में बहुत सारे डायग्राम हैं और सारे डायग्राम को मेमोराइज करना ही यहाँ पर मेन सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और पेपर में यही चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि डबल साइड बैंड जो मेरा होता है सिग्नल, उसका जेनरेशन, उसको हम जेनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक डायग्राम है, देखो यहाँ पर क्या है, बैलेंस मॉड्यूलेटर इसका जनरेशन टेक्निक है, बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो देखो ये इसका डायग्राम है, इसके डायग्राम में क्या है, इसके डायग्राम में यहाँ पर मेरा एम ऑफ टी है, मेरा ये एम मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, और उसके बाद एक से मैं इसका साइज कम कर लूँ, हाँ यहाँ पर मेरा एम मॉड्यूलेटर लगा हुआ है मैसेज सिग्नल में। उसके बाद हमने क्या किया, मैसेज सिग्नल को हमने एम मॉड्यूलेटर से भेजा तो हमें एक एस वन टी मिला। तो ये डायग्राम आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसमें कोई वो है नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। अब ये जो एम मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर का काम क्या है, अभी के लिए समझ लो ये मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये मल्टीप्लाई करेगा, एम ऑफ टी यहाँ से आ रहा है उसको, और ये जो ऑसिलेटर से, ऑसिलेटर का काम क्या है, कैरियर सिग्नल को जनरेट करने का। ठीक है, तो ऑसिलेटर से क्या आ रहा है, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, तो ये यहाँ से ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, यहाँ से एम टी मल्टीप्लाई होके मेरा एस वन टी बन गए। ठीक है, यहाँ से मेरा माइनस ऑफ एम टी, और यहाँ से मेरा ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, ये एस ऑफ टी, एस ऑफ टू टी बन गए। ठीक है, और ये दोनों सिग्नल मेरे यहाँ पर ये सिंबल से जा रहे हैं, ये सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब होता है एडर, ये एक एडर होता है, तो यहाँ से मेरा प्लस साइन आया, यहाँ से मेरा मेंशन नहीं है यहाँ पर, यहाँ से मेरा माइनस साइन आया, ये मेरा एस ऑफ टी बन गया। तो ये मेरा बैलेंस मॉड्यूलेटर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस मॉड्यूलेटर बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो जैसे मैंने नीचे बताया वही चीज यहाँ पर है कि एस वन टी क्या हो गया, ए सी वन प्लस के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, जैसे मेरा ए एम होता है। ठीक है, एस टू टी क्या हो गया, ए सी माइनस वन माइनस की हो गया, क्योंकि यहाँ पर एम टी मेरा माइनस था, देखो नीचे मैंने बताया था ना एम टी मेरा माइनस है। ठीक है, कॉस टू पाई एफ सी टी, एडर में जाके दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो ये मुझे ये सिग्नल मिल गया सिंपल जैसे होता है, और ये डायग्राम जरूर याद रखना, क्योंकि मेन जो पेपर में कम्युनिकेशन में जो नंबर मिलते हैं वो डायग्राम पे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा रिंग मॉड्यूलेटर, अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम याद रखना बहुत जरूरी है, इसका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर ईजी है। देखो उसके डायग्राम में क्या है, यहाँ पर मेरा एम ऑफ टी सिग्नल अप्लाई किया गया है, और यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर मेरे चार डायोड लगाए गए हैं, तभी इसको रिंग मॉड्यूलेटर बोलते हैं, क्योंकि एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर मेरा D1 डायोड है, यहाँ पर मेरा D2 डायोड है, D3 डायोड है, D4 डायोड है। ठीक है, और ये जो मेरे दोनों एंड्स हैं ये मेरे कनेक्ट हैं यहाँ पर AC cos 2 ओमेगा CT से। ठीक,
और यहाँ पर मेरा बैंड पास फिल्टर लगाया गया है। मेन यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो पॉजिटिव होगा और मेरा कैरियर सिग्नल भी पॉजिटिव होगा। देखो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है ये चीज़ मेरी यहाँ अप्लाई होगी, मतलब यहाँ पर मेरा प्लस आएगा, यहाँ पर मेरा प्लस आएगा, और सी ऑफ टी कहाँ पर अप्लाई है, सी ऑफ टी मेरा यहाँ पर अप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मेरा एम टी भी पॉजिटिव है और सी ऑफ टी भी पॉजिटिव है तो मेरा डी वन और डी थ्री ऑन हो जाएंगे, मतलब ये वाला डायोड और ये वाला डायोड ऑन हो जाएंगे। अब आप लोग को शायद पता होगा डायोड में क्या होता है कि ये मेरा अगर ये डायोड है, ठीक है, और डायोड के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे अगर ज़्यादा वोल्टेज होता है, ज़्यादा पोटेंशियल होता है, और माइनस वाले पे माइनस होता है, तो ये डायोड ऑन हो जाता है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा होता है, मतलब पॉजिटिव पे इसके बहुत कम या फिर नेगेटिव साइन है और नेगेटिव पे पॉजिटिव साइन है, तो ये डायोड ऑफ हो जाता है, ये हमको पता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर मेरा सी ऑफ टी अप्लाई किया गया है इस वाले केस में, तो यहाँ पर मेरा मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है और यहाँ पर मेरा मैसेज सिग्नल नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव आया, ये देखो ये जो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आया, ठीक है। तो मतलब इस वाले पर पॉजिटिव यहाँ पर है और ये जो नेगेटिव है ये ऐसे 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 करके यहाँ पर आया, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि प्लस साइन में ज्यादा, प्लस साइड पे ज्यादा है प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो ये ऑन हो जाएगा। सिमिलरली डी वन के साथ भी यही होगा। डी टू की बात करें तो डी टू पे देखो जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, ये जो प्लस है ये इसके माइनस पोटेंशियल पे है और ये जो माइनस है, ये जो माइनस है ये इसके प्लस वाले पोटेंशियल पे है, तो इसीलिए ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडक्ट करेंगे और तुम्हें अब तुम्हारा मैसेज सिग्नल, जो भी तुम्हें मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मिल जाएगा, ठीक। और सिमिलरली उल्टा होगा जब जब मेरा सी ऑफ टी नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में मेरे डी टू और डी फोर ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा रिंग मॉड्यूलेटर है। मेन यहाँ पर क्या है, डायग्राम बनाना जरूरी है और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरा जनरेशन हो गया। अब आता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा कि हमने भैया जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाया है, जो हमें रिसीव हुआ है, उसको हमें दोबारा से मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी दो टेक्निक आती है। सबसे पहले आता है मेरा कोहरेंट या फिर सिंक्रोनस डिटेक्शन और दूसरा आता है मेरा एनवेलप डिटेक्टर। तो कोहरेंट वाला समझते हैं। कोहरेंट में क्या होगा, कोहरेंट डिटेक्शन में क्या होता है, देखो अब इसका नाम कोहरेंट क्यों रखा गया है, इसका नाम कोहरेंट इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो मेरी, जो हम कैरियर यूज कर रहे हैं उसकी जो फेज है, उसकी जो फेज होती है वो मेरी सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम डिटेक्शन क्योंकि कर रहे हैं तो हमने एस ऑफ टी जो मेरी थी, एस ऑफ टी जो मुझे मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा था, उसको हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से लगाया। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मैंने बताया है किसका काम होता है, मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पर एस ऑफ टी जो है वो कॉस 2 पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये जो सिग्नल मुझे मिलेगा इसको हम लोग लो पास फिल्टर से पास करेंगे और फिर यहाँ से मुझे डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कोहेरेंट डिटेक्शन में लोकल ऑसिलेटर से तुम अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई करके लो पास फिल्टर से पास कर देते हो, वहां से तुम्हें आउटपुट मिल जाता है, क्योंकि ये चीज अभी आगे बहुत जगह अप्लाई होगी। सिमिलरली मेरा एनवेलप डिटेक्टर होता है। एनवेलप डिटेक्टर का डायग्राम ये है। एनवेलप डिटेक्टर में क्या है, एनवेलप डिटेक्टर में यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ये मेरा एक डायोड लगा है, ये एक कैपेसिटर लगा है और ये मेरा एक रेजिस्टर लगा है। बेसिकली एनवेलप डिटेक्टर का काम ये होता है कि तुम्हारा जो भी सिग्नल है, जो भी सिग्नल होगा उसके एनवेलप को डिटेक्ट करेगा। एनवेलप क्या होता है, एनवेलप मेरा होता है ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये होता है मेरा एनवेलप, ठीक है। तो ये मेरा एनवेलप डिटेक्टर होता है, इसका भी काम वही होता है। पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है, अब देखो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, मतलब ये जो मेरा सिग्नल है इसकी जब पॉजिटिव साइकिल होगी, सपोज करो कि ऐसा कोई सिग्नल है मेरा, ठीक है, तो ये मेरे सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल है, ठीक है। तो जब मेरी पॉजिटिव साइकिल होगी मेरी, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल में जो मेरा डायोड होगा वो कंडक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये प्लस होगा ना यहाँ पर, तो ये मैंने वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी कि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो ये मेरा कंडक्ट कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये कंडक्ट कर जाएगा तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और कब तक चार्ज होगा, ये जो इनपुट है ना, इनपुट सिग्नल, उसकी पीक वैल्यू पे, मतलब ये जो मेरा इनपुट सिग्नल है अगर इसकी जो पीक वैल्यू है, सपोज करो ऐसा इनपुट सिग्नल है, तो इसकी ये जो भी पीक वैल्यू होगी उस तक मेरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो इनपुट है मेरा वो क्या करेगा, धीरे धीरे फॉल करने लगेगा, धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगेगा। तो जब मैं क्या करूंगी, या फिर एक चीज ऐसे समझ सकते हो कि जब ये नेगेटिव साइकिल आ जाएगी, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पर मेरा डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ये मेरा डिस्चार्ज होने लगेगा और डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा कि ये ओपन सर्किट, मतलब ये जो रेजिस्टर है इसकी तरफ वो क्या करने लगेगा, इसकी तरफ वो डिस्चार्ज होने लगेगा। उसका जो करंट है या जिस लेवल
पे वो चार्ज हुआ है वो चीज यहाँ पर खत्म होने लगेगी। ठीक है, तो वही चीज हमें मिलती है हर एक केस में, हमें यहाँ पर अपना मैसेज सिग्नल मिल सकता है कि पॉजिटिव साइकिल में इतनी चीज याद रखना कि अगर एनुलर डिटेक्टर पूछ लेता है तो ये डायग्राम याद रखना कि पॉजिटिव साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा, मेरा कैपेसिटर फुली वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब मेरा जो इनपुट है वो नीचे गिरेगा या फिर जो नेगेटिव साइकिल होगी उस केस में मेरा डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ये मेरा डिस्चार्ज होने लगेगा इस आर के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एम ऑफ टी मेरे वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक, यहाँ पर मेरा DSBSC खत्म होता है। उसके बाद आता है मेरा SSBSC मतलब सिंगल साइड बैंड। ये भी आसान है, सिंगल साइड बैंड का मतलब क्या है, यहाँ पर या तो अपर साइड बैंड होगा या तो लोअर साइड बैंड होंगे। DSBSC में दोनों साइड बैंड थे, यहाँ पर सिर्फ एक साइड बैंड होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे ऊपर वाले में मॉड्यूलेशन था और उसका डीमॉड्यूलेशन था, यहाँ पर भी हमें मॉड्यूलेशन और उसका डीमॉड्यूलेशन पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आता है मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है फेज डिस्क्रिमिनेशन। ये भी मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर यूनिट वन से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँ तो वो यही है, फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्क्रिमिनेशन मॉड्यूलेशन टेक्निक SSB का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं इसका। इसके पहले मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझा भी दिया है कि DSB में मेरे लोअर साइड बैंड ये वाला और अपर साइड बैंड भी रहता है, और अगर हम SSB की बात करें सिंगल साइड बैंड की, तो या तो मेरे अपर साइड बैंड रहेंगे मतलब ये वाले, और या तो मेरे लोअर साइड बैंड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन क्या, जैसे मैंने पहले बताया भी था, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब एक चीज याद रखना कि हम जो SSB है सिंगल साइड बैंड, ये क्यों यूज करते हैं, हम ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो DSB से ज्यादा अच्छी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होता है कि SSB में सिंगल साइड बैंड में हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत हाई प्रीमियम क्वालिटी के फिल्टर लगाने पड़ते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी टेक्निक है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक मॉड्यूलेशन टेक्निक, किसकी है, SSB की। यहाँ पर सिंपल देखो, यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लोकल ऑसिलेटर जो हम पीछे कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से हमें DSB मिल गया, जो मैंने ऊपर बताया भी था DSB के मॉड्यूलेशन में कि आप अपने लोकल ऑसिलेटर से मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें DSB मिल जाएगा। ठीक है, बस DSB में तुम्हें बैंड पास फिल्टर लगा देना। अब ये फिल्टर क्या करेगा, इस फिल्टर का काम होगा किसी एक बैंड को पास करना, मतलब या तो ये अपर साइड बैंड को पास करेगा या तो ये लोअर साइड बैंड को पास करेगा। तो समझ गए ना कि DSB में क्या हो रहा था, DSB में दोनों बैंड प्रेजेंट थे, इसको हमने सिंपली बैंड पास फिल्टर से पास कर दिया, तो या तो वो अपर साइड बैंड को पास करेगा या तो वो लोअर साइड बैंड से। तो ये एक तरीका है मेरा कि आप DSB बना लो, उसके बाद बैंड पास फिल्टर से पास करके उसको SSB बना लो। ठीक है, दूसरा तरीका होता है मेरा फेज डिस्क्रिमिनेशन का। अब ये थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछते हैं। देखो इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, ये मेरा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, ये मेरा मैसेज सिग्नल हो गया, यहाँ पर मेरा ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर मैंने बताया था ऑसिलेटर का काम होता है कैरियर को जनरेट करने का, तो इसने मेरे कैरियर जनरेट करा cos 2πfct, मेरा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से गया तो ये मेरा MT इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर मेरा एडर में चला गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये जो ऑसिलेटर है इसका 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा, -90 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो cos का टर्म था वो साइन का टर्म बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर कॉस को साइन में चेंज कर दिया और इस वाले प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से पे हमने साइन का टर्म भेज दिया। ठीक, उसके बाद हमने वाइड बैंड फेज शिफ्टर लगा रखा है। देखो वाइड बैंड फेज शिफ्टर का काम क्या होता है, इस मैसेज सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म करना। अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म तो ठीक है, ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है मैसेज सिग्नल को 90 डिग्री बेसिकली चेंज कर देना। ठीक है, उसके 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर देना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी सिग्नल को अगर आपने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म किया तो उसके ऊपर ये कैप आ जाती है, एम कैप टी। देखो यहाँ पर लिखा भी है एम कैप टी। तो यहां से मैंने क्या किया, अपने नॉर्मल मैसेज सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ले लिया है और अपने जो कैरियर सिग्नल था उसका 90 डिग्री फेज शिफ्टर करके इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से भेजा और फिर इनको एडर से भेज के हमें SSB मिल गया है। बहुत आसान, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लोग को ब्लॉक याद हो तो ये काफी इजी है और पेपर में ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। तो जो मैंने समझाया है वो मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि एम कैप टी क्या है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म सिग्नल है जो कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट है। बेसिकली यहाँ पर ये याद रखना कि एस ऑफ टी कैसे मिल रहा है, तो एस ऑफ टी क्या है, जैसे हमने नीचे देखा भी कि AC cos ωCT m of t / 2 माइनस या प्लस आएगा,
माइनस या प्लस कब आएगा वो मैं बताती हूँ, एम कैप टी साइन ओमेगा सी टी। तो यहाँ पर तो हमें पता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो यहाँ पर माइनस क्या है, अब मैंने बताया था ना कि SSB में सिर्फ एक साइड बैंड होगा, या तो अपर साइड बैंड या तो लोअर साइड बैंड। तो अगर तुम्हें जो आउटपुट सिग्नल मिला है अगर उसमें यहाँ पर माइनस मिलता है तो समझ लेना कि तुम्हें अपर साइड बैंड मिला है, और अगर प्लस मिलता है तो समझ लेना कि लोअर साइड बैंड मिला है। तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस है तो अपर और प्लस है तो लोअर, ठीक है। उसके बाद आता है इसका डीमॉड्यूलेशन। तो इसका डीमॉड्यूलेशन बहुत आसान है, जैसे हम लोग डीएसबी का कर रहे थे कोहेरेंट डिटेक्शन, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसका भी करेंगे। तभी मैंने बोला था कि उसको अच्छे से समझ लेना। देखो मैंने जो वहाँ पर बताया था वही है कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाया, अपने SSB वेव को भेजा, लोकल ऑसिलेटर पे भेजा हमने अपने कैरियर सिग्नल को, यहाँ से मुझे जो भी सिग्नल मिला मैंने उसको लो पास फिल्टर से पास कर दिया, ठीक है। तो ये तो सिमिलर है जैसे मैंने डीएसबी में पढ़ा था। लास्ट आता है मेरा VSB। VSB बहुत ज्यादा पेपर में पूछा ही जाता है, मेन जो आता है वो SSB आता है, SSB की मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में इसलिए मैं VSB बता देती हूँ। VSB का मतलब क्या है, वेस्टिजियल साइड बैंड। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल का मतलब होता है कि आपका एक साइड बैंड तो पूरा पास होगा, जैसे मेरा SSB में हो रहा था, लेकिन SSB में दूसरा साइड बैंड होता ही नहीं है, लेकिन VSB में दूसरा साइड बैंड होता है लेकिन उसका छोटा सा पार्ट रहता है, वेस्टिज रहता है या फिर छोटा सा ट्रेस रहता है। मतलब या तो उसका 20% होगा, 30% होगा, वो पूरा साइड बैंड नहीं रहेगा। पूरा साइड बैंड होगा तो क्या बन जाएगा, पूरा साइड बैंड होगा तो DSB बन जाएगा, एक साइड बैंड नहीं होगा तो SSB बन जाएगा, और एक साइड बैंड का दूसरा थोड़ा सा पार्ट होगा तो VSB बन जाएगा, ठीक है। इसका मॉड्यूलेशन भी सिमिलर होता है, इसका मॉड्यूलेशन अगर नहीं याद कर पाओ तो एटलीस्ट नाम तो याद ही रख लेना किसके मॉड्यूलेशन में होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, और डी मॉड्यूलेशन में होता है वही सिंक्रोनस डिटेक्शन जो हमने पीछे ही पढ़ा। अब इसका डायग्राम भी समझ लो, इसके डायग्राम में क्या है, देखो ऐसे ही बनेगा। देखो ये जो अपर साइड बैंड है ये तो मेरा पूरा है और लोअर साइड बैंड का छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, उसी तरह से पूरा अपर साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड है VSB का, आता नहीं है पेपर में लेकिन समझ लो। इसमें क्या है, सिमिलर जैसे हम वहां पर कर रहे थे कि प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाया, कैरियर ऑसिलेटर, फिर साइड बैंड फिल्टर लगा दिया। यहाँ पर वही चीज है जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि हम बैंड पास फिल्टर लगा रहे थे, यहाँ पर हमने साइड बैंड फिल्टर लगा दिया ताकि जो मेरा एक बैंड है उसका कुछ पोर्शन हमें मिल जाए, ठीक है। तो कोरिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा ये सब्जेक्ट कि हाँ ये चीज मेरी DSB में भी थी, यही चीज मेरी VSB में थी और यही चीज मेरी SSB में भी है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा डिटेक्शन टेक्निक, तो वो तो हमने DSB में भी देखा, SSB में भी देखा, और वही चीज मेरी VSB में भी है, सिंक्रोनस डिटेक्शन। तो ये नाम याद रखना, ये हर जगह है कि तुमने अपना VSB यहाँ से भेजा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से, मतलब मल्टीप्लायर से, और यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर के थ्रू तुमने कैरियर सिग्नल भेजा, उसके बाद लो पास फिल्टर से पास कर दिया। लो पास फिल्टर में जिसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो उस फ्रीक्वेंसी पे उसको पास करने देगा सिग्नल को, बाकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं पास करने देगा, और यहाँ से तुम्हें अपना डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है डीमॉड्यूलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मॉड्यूलेशन में भी नहीं होगी। मैं यहाँ पर जो समझने वाली चीज थी वो मेरी SSB थी, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसी तरह से मेरी ये यूनिट खत्म होती है। आई होप आप लोग को यूनिट समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें। और एक चीज और, अगर यहाँ पर कहीं पर किसी चीज में प्रॉब्लम होती है तो मैं यही बोलूंगी कि इसको आगे और प्रैक्टिस करिए। सिग्नल सिस्टम में अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में कहीं पर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो सिग्नल सिस्टम जो आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर मेरी यूनिट 1 खत्म होती है। थैंक यू।